क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल है सर। इस्माइल, तो इस्माइल, ये जो मुस्तकीम जो जिनकी मृत्यु हत्या हुई है वो क्या लगते हैं आपके? भाई लगते हैं सर, छोटा भाई है। क्या वजह थी? वो छतरपाल नाम का बंदे से कुछ बहसबाजी हुई थी और हमको फोन किया था कि भैया बहसबाजी हुए हैं, आप आइए। उसके बाद जब तक मैं आया वहाँ से, जब तक उसका मर्डर कर दिया। तो किस चीज से मारा गया उसे? कुछ चीज वहाँ पे मिली? कुछ चीज नहीं मिली, कैंची का निशान पाया गया वहाँ पर, कैंची कोई हथियार धारदार हथियार से मारा है उसको। तो झगड़ा किस बात को लेकर था? कुछ सामने आई वजह? सामने अभी कुछ वजह नहीं आया। क्या बात हुई, मैं वहाँ जब प्लाट पे गए हैं, पुलिस वुलिस सब गए मेरे साथ में, तो वहाँ पे औरतें सब बताया जो हमको भाई ने फोन पे कहा था, भैया हमको यहाँ ये छतरपाल नाम के व्यक्ति हमको मार रहा है, आप जल्दी आइए। जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो उसका आधा हालत ख़त्म कर दिया था। हम पुलिस के साथ वहाँ पे पहुँचे और रास्ते में उठा करके ले गए अमंतिका हॉस्पिटल, और वहाँ पर रास्ते में बोला डॉक्टर की रास्ते में इसका दम टूट गया। तो ये मुस्तकीम जो है आपके भाई, ये कहाँ रहते थे? इंदिरापुरम में। इंदिरापुरम में शक्तिखंड 2 मकान नंबर 109 में ए। तो इस छत्रपाल नाम के व्यक्ति से पहले भी इनका कोई विवाद था? पहले भी कोई विवाद था कि नहीं, लेकिन हमको 2 दिन पहले कहा था, फिर जिस दिन इसका डेट भी है सर, उसे आधे घंटे पहले कहा था। रात एक सूचना मिली थी कि मुस्तकीम नाम के एक व्यक्ति जो वहीं स्वर्ण जयंती पार्क के पास झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको किसी व्यक्ति ने उनको घायल कर दिया है। इस सूचना पे उन्हें उनके परिजनों द्वारा अवंतिका हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जहां उन्होंने उनको मृत घोषित किया डॉक्टरों द्वारा। उसके बाद उनका पीएम पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया। बाकी इस पे उनके परिजनों से एक तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर प्राप्त करके जब उसकी पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि छत्रपाल नाम के व्यक्ति ने आपसी कहासुनी में विवाद में उनसे, जैसा कि छत्रपाल द्वारा बताया गया, कैंची से उनके सीने पर वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, विवाद कुत्तों को लेकर बताया जा रहा है। इस संबंध में पड़ताल की जा रही है, विवेचना क्रम में जैसा भी आएगा उस संबंध में अवगत कराया जाएगा। क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है सर अभी तक? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि छत्रपाल जो मुख्य आरोपी है, उसने ही पूछताछ में बताया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है।